हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद सोनाली फोगाट के परिवार ने बुधवार को धन्यवादी सभा कर शक्ति प्रदर्शन किया। सोनाली के भाई वतन ढाका ने आदमपुर बीजेपी वर्करों को धन्यवाद करने के लिए बुलाया, लेकिन इस धन्यवादी सभा में सोनाली के परिवार में ही आपस में मतभेद पैदा हो गए। सोनाली की बहन रुकेश ने चुनाव लड़ने की बात कही तो वहीं सोनाली के भाई वतन ढाका ने पार्टी में रहने और पार्टी का साथ देने की बात कही। इस कार्यक्रम में एक ऐसा भी समय आया जब परिवार को दूसरों से अलग होकर बातचीत करनी पड़ी। सोनाली की बहन का कहना था कि सोनाली की राजनीतिक विरासत मेरे पास है, फैसला मैं लूंगी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सोनाली की बहन रुकेश ने कहा कि सबके अलग अलग मत हैं। सोनाली की राजनीतिक विरासत मुझे मिली है, उसे आगे कैसे लेकर जाना है उसे मुझे देखना है। मेरी बहन अंतिम समय तक कहती रही मुझसे इलेक्शन लड़ना है, चाहे किसी भी पार्टी से लड़ना है। अभी तक ऑफर किस पार्टी से है मैं नहीं बता सकती। रुकेश ने कहा कि मेरा पक्का है, मैं चुनाव लड़ूंगी, मैं सपना पूरा करूंगी। फोगाट परिवार सोनाली का ससुराल है, सभी परिवारों में मतभेद है। कुलदेव विश्नोई चौधरी देवीलाल का परिवार देख लीजिए, सब में भी मतभेद होते हैं। वहीं सोनाली के भाई वतन ढाका का अलग ही मत दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे टिकट देगी वही चुनाव लड़ेगा, वो पार्टी के साथ हैं। रुकेश ने क्यों बयान दिया, उसने पता नहीं मन में क्या सोचा है। मैं भाजपा के साथ हूँ, हम 16 साल से पार्टी के साथ हैं, हमें जो भी मिला है पार्टी से मिला है। तो पार्टी जिसको टिकट देगी वही लड़ेगी जी, उसने पता नहीं क्या मन में सोच के बोला। मैं अभी तक मेरी तो ऐसी कोई डिस्कस नहीं, बाकी मैं तो बीजेपी पार्टी के साथ ही हूँ और पार्टी। और दूसरी बात यह है कि सोनाली जी ने 3 विधानसभा में काम किया था, 2014 से उन्होंने फतेहाबाद में काम किया था, फिर उसके बाद उन्होंने नलवा विधानसभा में 3 साल काम किया था। हम पार्टी के साथ हैं जी, पार्टी में काम किया 16 साल तक हमने, तो पार्टी के साथ हैं। सब कुछ उनकी पार्टी की देन है, सब कुछ टिकट भी है, पार्टी का नाम जो कुछ मिला वो पार्टी बीजेपी पार्टी से मिला, हमें कोई और पार्टी थोड़ी मिला है। आपको बता दें कि सोनाली के परिवार ने आदमपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवादी दौरा करने के लिए मीटिंग बुलाई, जिसमें निवेदक के तौर पर समस्त भाजपा परिवार हल्का आदमपुर लिखा गया था। इस धन्यवादी सभा में सोनाली फोगाट का स्लोगन अंकित किया गया है, मैं रहूं या ना रहूं मेरे कार्यकर्ताओं की अनदेखी कभी नहीं होगी। ये स्लोगन और सोनाली की बहन दोनों ही दरिया के अलग अलग किनारे जैसे नजर आ रही हैं। ऐसे में सोनाली के परिवार का पारिवारिक कलह कहीं इन राजनीतिक सफर के लिए कितना घातक साबित होता है या यही इस सफर को बेहद रोमांचक बना देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हिसार से अमित वर्मा की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।